नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज जब कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते यदि सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है तो वो केवल और केवल मिडिल क्लास पर पड़ा है, और वही सबसे ज्यादा प्रभावित भी हुआ है। व्यापार बंद, लॉकडाउन के चलते स्टॉक खराब होने की चिंता, उधार का पैसा पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। लॉकडाउन के बाद खुलने पर कितना उधार वसूल हो पाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। स्टाफ की सैलरी बिना कार्य के देनी सरकारी आदेश है। ऊपर से उस स्टाफ को दिया हुआ एडवांस भी वापस आ जाए, उसमें भी संशय है। घर का बिजली का बिल हर हाल में जमा करवाना है। दुकान आजकल बंद है, घर और दुकान का किराया भी देना है, जो कि आज बहुत ज्यादा है। बैंक लोन की किश्त देनी, उसका ब्याज देना, हाउसिंग लोन, वाहन लोन की किश्त भी चुकानी, बच्चों के स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, उसके हॉस्टल का खर्चा, एजुकेशन लोन का भार, खाने पीने, रसोई गैस, अपने दो पहिया के लिए पेट्रोल, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयां व अन्य खर्चे, भाई बहन बेटे बेटी की शादियों की जिम्मेदारी भी इस मिडिल क्लास के कंधे पर ही होती है। अधिकांश मिडिल क्लास परिवारों में एक कमाने वाला और 5 से 8 खाने वाले होते हैं, और उन सब के बावजूद आज लॉकडाउन के चलते आमदनी जीरो है। उसकी जमा पूंजी भी कोई ज्यादा नहीं होती, और जो थोड़ी बहुत थी वह धीरे धीरे पूरी होने के कगार पर पहुंच रही है। अब ऐसे में उसकी मानसिक स्थिति के क्या हालात हो रहे होंगे, उसकी कल्पना करना आसान है। आपको बता दें कि मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस तरह रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव दे दे तो वह लचक सकती है, कुछ ऐसा ही हाल मध्यम वर्ग का भी है। वह सरकार को हर तरह से टैक्स भी अदा करती है, और देश की अर्थव्यवस्था की धुरी भी मध्यम वर्ग ही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉकडाउन के दौरान मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको अब रात भर नींद नहीं आती होगी। अपने और अपने परिवार और व्यापार का भविष्य में क्या होगा, उसकी कल्पना मात्र से ही उसकी नींद उड़ी हुई है। ऐसे में सरकार से मध्यम वर्ग यह कहना चाहता है कि जैसे निम्न और जरूरतमंदों की व्यवस्था सरकार द्वारा कर ली गई है, अब एक नजर मिडिल क्लास वालों की समस्या पर बिठा दें, क्योंकि उसकी आमदनी पिछले कई दिनों से जीरो हो चुकी है। वे उनके घर खर्च लगातार बदसूरत जारी है, जो कि अब उसकी जेब पर भी भारी पड़ने लग गई है। लॉकडाउन की यह स्थिति आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। यदि ऐसा होता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो स्थिति और विकट हो जाएगी। सरकार द्वारा अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास किए भी जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, जिसके चलते सभी चयनित परिवारों को भोजन, राशन, मुफ्त खाद्यान्न, 3 गैस सिलेंडर, नगद राशि सहित अनेक प्रकार की सहायता और भामाशाहों द्वारा भी अपने स्तर पर निम्न तबकों को, जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध करवाई भी जा रही है। अब सवाल यह है कि गरीब, असहाय और अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ तो केवल कुछ सीमित लोगों को है, जो इस दायरे में आते हैं उनको ही मिल रहा है। लेकिन एक बड़ा तबका, जो कि देश की नींव और सबसे ज्यादा देश की इकोनॉमी को वही चलाता है, क्योंकि उसका संपर्क ही आम लोगों से सीधा होता है, उसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, और उसे मिडिल क्लास से सभी को अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। इसी कारण सबसे ज्यादा वही पिस भी जाता है। इन सब के बावजूद भी किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। यह मिडिल क्लास तबका, जिसकी अपने व्यापार व अपने परिवार के संचालन की उधेड़ बुन के बीच उसका दिन का चैन और रात की नींद उड़ी रहती है। टैक्स भरना, आयकर भरना, मकान दुकान का किराया भरना, स्कूल की फीस की चिंता, परिवार में माता पिता भाई बहनों की चिंता व अनेक ऐसी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ भी इसी तबके पर ही ज्यादा पड़ता है।
उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से उसे हमेशा से ही उपेक्षित रखा गया है। उसे केवल टैक्स पेयर मशीन समझा गया है और इसी कारण से उसको किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती है। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों में जाकर मध्यम वर्ग से जुड़े लोगों से बातचीत की और उनके विचार भी सुने। आइए अब आपको सुनवाते हैं मध्यम वर्ग से जुड़े लोगों की समस्याएं और उनकी दास्तान। मैं तरुण मदान अपने सहयोगी अनिल लांबा जी के साथ और इस समय हम मौजूद हैं शहर के ऐसे एक घर के अंदर जहां लॉकडाउन के चलते व्यापारी वर्ग अपने घर में रहने तक ही सीमित है, क्योंकि दुकानें बंद हैं और वो बाहर नहीं जा सकता। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के चलते मध्यम वर्ग के साथ जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके बारे में हालांकि सरकार विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा। ऐसे में मध्यम वर्ग के साथ क्या गुजरती है या क्या गुजर रही है या आने वाले समय में उनके साथ क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करनाल के एक व्यापारी वर्ग और एक मध्यम वर्ग से संबंध रखने वाले और वरिष्ठ समाज सेवी कुलवंत कलेर जी, इनसे बात करते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है लॉकडाउन के दौरान, सारे व्यापार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, आप भी घरों के अंदर लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग के साथ क्या बीत रही होगी? सर, हम लोग मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं और हम छोटे से व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी नहीं हैं कि हमारे पास अपनी पूंजी हो। हम जैसे लोग अपने घर गिरवी बैंकों में रख के बैंकों की लिमिट बनाते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं और अपना एक छोटा सा धंधा, अपनी छोटी सी दुकान को चला लेते हैं। उस दुकान को चलाने के लिए हम लोगों को एम्प्लॉइज की भी ज़रूरत पड़ती है। जिनको सरकार नौकरी नहीं दे पाती, हम बिना डिग्रियों के उन साथियों को कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने पास काम भी देते हैं। हम लोग बैंकों से लिमिटेड बनवाते हैं, बैंकों को हम चलाने वाले हैं, बैंकों से को हम ब्याज भरते हैं। ब्याज भरने के बाद, स्टाफ के खर्चे निकालने के बाद और कुछ अगर दो पैसे बच जाते हैं तो उससे हम अपना लोग अपने घर चलाते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम कोई बहुत बड़े शहनशाह आलम के अमीर नहीं है, ना हमारे पीछे ज़मीनों के किले हैं जिनसे हमारी इनकम होगी। उसी दुकान से हमने कमाना है, हमारा सीजनली काम है। गर्मियों के सीजन में ही कूलिंग प्रोडक्ट चलता है और हम लोग एसी फ्रिज का काम करते हैं, स्टेबलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग है। हम लोग जनवरी फरवरी में सामान डालना शुरू कर देते हैं बैंकों से कर्जा उठा के, तो हम लोग अपने गोडाउन भर लेते हैं ताकि आगे आने वाले मार्च अप्रैल मई जून में ये सामान बिक जाएगा। आज की परिस्थिति क्या है कि हम लोगों ने बैंकों से जो लोन उठाया हुआ है उससे हमने गोडाउनों में माल भरा हुआ है, गोडाउनों का किराया अलग से देना पड़ता है। सरकार ने ऊपर से डंडा ये कर दिया कि आपने अपने स्टाफ की किसी की तनख्वाह नहीं रोकनी, उनको तनख्वाह भी हम लोग दे रहे हैं पूरी, कहाँ से देंगे, ये हमारी समझ से बाहर है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ये नहीं आया कि हमें कोई फैसिलिटी मध्यम वर्ग को मिलेगी। सरकारी नौकरी करने वाला बंदा है जो, उसको सरकार तनख्वाह दे रही है, वो घर आराम से बैठा है। कुछ लोग सरकार का कार्य भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश और समाज के लिए। लेकिन कुछ लोग खाली बैठे हैं दफ्तरों, जिनके दफ्तरों से घर बैठे हैं, उनको तनख्वाह सरकार दे रही है। जो गरीब तबका है, जो डेली वेजेज का कमाने और खाने वाला था, उसको सरकार वैसे दे रही है, संस्थाएं दे रही हैं और संस्थाएं भी हमारे जैसे उसके पास आके चंदा मांगने आती हैं। विसरदार जी, आप इतना चंदा दो, आप ये चंदा दो। गुरुद्वारे वाले आते हैं, वो अलग से चंदा ले जाते हैं। तो संस्थाएं भी हम जैसे साथियों के साथ ही चलती हैं। गरीब लोग को संस्थाएं देती हैं या सरकार दे देती है। अमीर लोग जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े, जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तेल महंगा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साल काम नहीं चलता कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी घर बैठे इनकम होती है। लेकिन हम लोग कहाँ जाए, हम अपनी दुकान खोलेंगे तो कमाएंगे, जब दुकान ही नहीं हमारी खुलेगी तो हम लोग कहाँ से खा लेंगे, कहाँ से एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे लेंगे, कहाँ से हम बैंकों की ब्याज भर लेंगे। अगर मेरी 3 लाख रुपये महीना ब्याज है बैंक की, अगर 3 महीने भी बंद कर दिया तो मेरे को 9 लाख रुपये महीना बैंक का ब्याज मैं कहाँ से भर पाऊंगा। मैंने अपना घर गिरवी रख के बैंक की लिमिट बनवाई हुई है, मेरी 2.5 करोड़ की करीब लिमिट है, लेकिन वो लिमिट मेरी पूरी यूज है। रीजन ये है कि हमने माल डालना था, हमने माल उठा लिया, इस सारे के आगे एसी का सीजन आने वाला है, फ्रिज का सीजन आने वाला है, हम लोग बेच जाएंगे, हमारे गोडाउन भरे पड़े हैं, गोडाउनों का किराया अलग से हमको देना पड़ेगा। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार हमारी कोई सुनती नहीं। सरकार के हम कमाऊ पूत हैं, हम
इनकम टैक्स भरते हैं, हम सरकार को जीएसटी देते हैं और उसके बाद हम बैंकों को ब्याज देते हैं जिससे बैंक चलते हैं। लेकिन हमारी उसके बावजूद हम किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे हिसाब से गलत है। हम मांग किसी से सकते नहीं है और सरकार को चाहिए कि हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई ना कोई अपना ये हमें कोई पैकेज दे, हमारे मध्यम वर्ग के लिए कोई ना कोई पैकेज घोषित किया जाए। कम से कम हमारे लॉकडाउन के दौरान जो बैंक इंटरेस्ट पड़ता है वही रोक दिया जाए, बैंक इंटरेस्ट ना लगे तो हम इसमें ही अपने आप को खुशनसीब मानेंगे कि बैंक जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान हमें बैंक इंटरेस्ट नहीं लगा, जब ओपन होगा तो बैंक इंटरेस्ट चालू कर लिया जाए। हम तो इतना सरकार से चाहते हैं कि हमारा सहयोग किया जाए, नहीं तो हम लोग बर्बादी के कगारी पे आ जाएंगे। हमारे जो मकान है बैंक गिरवी रखे हुए हैं, मकान हमारे बिक जाएंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे, हम भी फिर एक ना एक दिन झोपड़पट्टी वाले बन जाएंगे, पर सरकार फिर सरकार को हमें भी उठना पड़ेगा। तो इस समय मौजूदा समय में आपके पास कितनी लेबर है? सर मौजूदा मेरे पास तीन ड्राइवर हैं और दो सामान उतारने चढ़ाने वाले हैं, दो मेरे अकाउंटेंट हैं और दो मेरे मार्केट करने वाले हैं, और स्टेबलाइजर का मेरा काम है, उसमें मेरे पास 5-6 लड़के काम करते हैं जिनको मैं तनख्वाह देता हूं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि मैं उनको तनख्वाह किस तरीके से दे पाऊंगा। नोटबंदी के दौरान जो नोट थे वो पहले ही बंद कर दिए थे, घर में कैश रख नहीं सकते थे, और बैंकों में जितना पैसा पड़ा था हमने सारा माल लेने के लिए लगा दिया। अब बैंक भी खाली है और हमारी जेब भी खाली है। अब हमें ये नहीं समझ आती हम खाएंगे कैसे, वर्करों को कहाँ से देंगे, किससे पकड़ेंगे, ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि जेबें हमारी इसलिए खाली हो गई हैं, बैंक हमारे इसलिए खाली हो गए हैं कि हम इस आस में थे कि अब सीजन आने वाला है, जितना भी पैसा है सब माल में डाल दो, माल खरीद लो और उस पे लगा दो और दो पैसे हम लोग कमा लेंगे। हमारा सीजनली काम होता है, 3-4 महीने का काम होता है, बाकी तो सारा साल हम लड़कों को वैसे ही पहले बिठा के तनख्वाह देते हैं। अब हमारी समझ से बाहर है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इसी मुहिम के चलते ही आप जैसे पत्रकार भाइयों का सहयोग है जो आप लोग हमारी आवाज़ सुनने के लिए हमारे तक पहुँचे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएं, ताकि जो हमारा मध्यम वर्ग है वो कहीं गरीबी की कगारी तक ना पहुँच जाए, मध्यम वर्ग की दुकानें जो हैं वो बंद ना हो जाए, उन पर ताले ना लग जाएँ। मध्यम वर्ग को बचाने की एक मुहिम शुरू कीजिए और आप करीब हमारा सहयोग दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया कि मध्यम वर्ग इस समय कितनी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। बैंक वालों ने ब्याज माफ नहीं किया, जितना पैसा इनके पास था उतने का सामान लेकर इन्होंने गोदाम में डाल दिया, दुकानें बंद हैं जिस कारण वो बिक नहीं रहा, जो उस लेबर है उसकी सैलरी देनी है। अब इन्होंने सरकार से यही अपील की है कि जिस तरह से बाकी वर्गों के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसी तरह से कुछ इनके लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, अथवा यह नहीं हो सकता तो कुछ ऐसी रिलैक्सेशन दी जाए ताकि ये अपना घर बार चला सके। अन्यथा इनका ये कहना है कि अगर ये लॉकडाउन और लंबा चला तो इनके भी हालात वैसे हो जाएंगे जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी वालों पे हैं, और मजबूरीवश इनको भी निम्न वर्ग में आकर सरकार की सहायता लेनी पड़ेगी। अभी तक वो इस सिचुएशन में है कि वो किसी से ले नहीं सकते, किसी के आगे याचना नहीं कर सकते और सरकार इनको दे नहीं रही। तो बार बार इनकी यही अपील है कि सरकार मध्यम वर्ग के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि दुकानें लगातार पिछले कई दिनों से लगातार बंद चलती आ रही हैं, ग्राहक नाम की चीज़ नहीं है, घरों में बैठे बैठे खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इनकी इस अपील को सरकार तक पहुँचाने की बात भी करूँगा और अन्य कुछ लोगों से और भी बात करने की कोशिश करेंगे जो हमें बताएंगे कि आखिर इस विकट परिस्थिति में इसका क्या हल निकला जा सकता है। मैं तरुण मदान अपने सहयोगी अनिल लांबा जी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। हम इस समय मौजूद है करनाल के संत नगर एरिया में, और यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे लोग मिले हैं कि जो मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं, और आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान इन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो इनके लिए कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्म राणा है जी। सर आप क्या व्यवसाय करते हैं? मेरा है प्रॉपर्टी का कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी सेल परचेज कंसल्टेंट जी। तो सर जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, जो जहाँ है वो ठहर गया, अपने अपने घरों में हर कोई कैद है, तो ऐसे में आपके व्यवसाय पर कितना असर पड़ा? व्यवसाय पर बहुत ज्यादा फर्क है कि हम ना तो इसको आगे कुछ कर सकते हैं, खर्चे यूं के यूं हैं, जो दुकान का खर्चा वो भी है, हमारा बिजली खर्चा भी है,
चलो पेट्रोल का तो बचत नहीं हो, कहीं जाना नहीं आना, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास एक हमने हेल्प रखा हुआ है उसकी भी सैलरी देनी पड़ती है, और हमारे अपने खर्चे यूँ कहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भी हमारा खर्चा इतना, हम एडवांस में किस्त हमने जो देनी है छोटी मोटी देनी है बड़ी देनी है वो भी ड्यू है, बिजली बिल ड्यू है, तो हमारी स्थिति ऐसी हम किसी आगे हाथ तो फैला सकते नहीं, क्योंकि इतना तो अंदर से मतलब आत्मा चाहती नहीं है किसी का हाथ फैला, लेकिन सरकार ये भी छोटों को तो सरकार ने बहुत कुछ दे दिया है और बड़ों को जरूरत नहीं है मांगने की, उनके पास तो पहले से बहुत कुछ है भगवान का दिया, तो मिडिल क्लास थोड़ा मांगता शर्म भी करता है झिझकता भी है भी सरकार से मैं क्या मांगू किस मुंह से मांगू, क्योंकि हम देखिए इनका भी यही कहना था कि वो सरकार से किस मुंह से मांगे और कैसे मांगे, क्योंकि लोअर क्लास को सरकार ने बहुत कुछ दे दिया, हाई क्लास को जरूरत नहीं है, ऐसे में रह गया मिडिल क्लास, उनकी किस्तें भी एज इट इज आ रही हैं, खर्चे भी एज इट इज आ रहे हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम दीपक वैद है। आप क्या करते हैं? मैं सर अपना प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मेरा डीजे वगैरह का काम है, तो सर मेरे काम पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, सारा कुछ लॉकडाउन हो गया है, खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, अभी फिलहाल 2 तारीख को एक कंपनी की मेरी किस्त थी, कंपनी में थोड़ा पेमेंट कर नहीं पाया, कंपनी ने मुझे 800 रुपये चार्जेस लगा दिए, उधर न्यूज़ चैनल में आता है कि 3-3 महीने आप किस्त ना पे कीजिए आपको चार्जेस ही लगेंगे, जब मैंने उस कंपनी में बात करने की कोशिश करी वो कहते हैं जी चार्जेस लगेंगे जी 800 रुपये। देखिए इनका ये कहना था कि सरकार ने ये तो जरूर कहा था कि EMI को लेकर रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि इनका डीजे का व्यवसाय है, इनकी एक किस्त थी और ना देने पर इनके ऊपर 800 रुपये चार्जेस लगा दिए, जब इन्होंने बात की तो उन्होंने यह कह के टाल दिया कि हम तो काटेंगे भैया आपको जो करना हो कर लो। तो यहाँ एक और मजबूरी, ऐसी मजबूरी जिसको सरकार ने रियायत देने की बात की थी वो भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही, और वो मजबूरी आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं कि किस तरह से अब ये सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ लोगों की सेवा के लिए सड़कों पर जरूर उतर रहे हैं लेकिन दुकानें बंद हैं। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, एक और सज्जन मौजूद हैं। सर आपका शुभ नाम? हाँ जी विकास। विकास जी आप क्या करते हैं? हाँ बिजनेस है हमारा, फैक्ट्री है पैकेजिंग मटेरियल की। सर आपके व्यवसाय पे कितना असर पड़ा? सर जब से लॉकडाउन हुआ है अगर हम कहें कि कितना असर पड़ा, तो असर तो तब कहें जब कुछ चल रहा हो, बिल्कुल ही बंद है और लेबर भी हमारी खाली बैठी है, लेकिन हमें उनका भी ध्यान रखना है, उनकी भी सैलरी देनी है, हमारे पावर के कनेक्शन है, बिजली का मिनिमम लोड का बिल आना ही आना है, मतलब चारों तरफ से खर्चे तो हमारे चल ही रहे हैं लेकिन काम बिल्कुल ही बंद है। तो हम सरकार से यही कर रहे हैं, मांग भी नहीं सकते क्योंकि सरकार की देखा जाए तो पहली बहुत मजबूरी है, हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में भी सोचे। देखिए इनका कहना है कि इनके पास लेबर है, इनका काम है, काम ठप है, खर्चे चारों तरफ से बढ़ते आ रहे हैं, सरकार से मांग सिर्फ इतनी है कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए, जो वायदे किए हैं उनको निभाने की कोशिश करें, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद है। सर आपका नाम? राकेश वोरा, प्रधान संतनगर। राकेश जी आपका क्या व्यवसाय? खेती बाड़ी है जनाब। तो सर आपके उस पर कुछ फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है, खर्चे पे खेती पे ना तो लेबर मिल रही है, और जो हम अपनी कंबाइन चलाते हैं ये एग्रीकल्चरिस्ट हैं उसमें भी परेशानी आ रही हैं, क्योंकि अभी जो बाहर से मशीनें आती थी वो नहीं आ रही, सबसे चलो जो सोच आ रही है इस टाइम मध्यम वर्ग की आ रही है, जो ऊपर वाला है उसके पास तो बहुत है, जो नीचे वाला है उनके घर में 4 संस्थाएं भी दे आएंगी, जो मीडियम वर्ग है वो हाथ फैला नहीं सकता, वो अपनी इज्जत को मरता है। अब जिसका मान लो बिजली का बिल भी है या उसने कोई बैंक की किस्त भी देनी है, कह तो दिया कि बैंक की किस्त की लेस की जाएगी, लेकिन किसी पे लिखित तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो ब्याज वही चलता रहेगा, और जब वो बैंक में जाएंगे उनके पास तो पूरा खाता देना पड़ेगा, अब वो मजबूर में है तो करेंगे तो करें क्या। देखिए इनका कहना है कि सरकार ने वायदे कर दिए बता बहुत कुछ दिया कि बिजली के बिल में रियायत दी जाएगी, EMI में रियायत दी जाएगी, लेकिन कोई किसी के पास लिखित में या किसी के पास ऐसा कोई भी लिखित पत्र मौजूद नहीं है जो ये ग्राहकों को दिखा सके, ऐसे में बिजली का बिल भी समय पर भुगतान करना पड़ सकता है और जो EMI है वो भी समय पर देनी पड़ेगी। हमारे साथ एक और सज्जन मित्र हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश भंडारी। राजेश भंडारी जी आपका क्या व्यवसाय? मेरा छोटी सी दुकानदारी है हमारी। किस चीज की? किराने की दुकान है छोटी सी, दुकानें बंद हैं, कोई काम हो नहीं रहा, बैठे हैं आराम से, अपने पल्ले से खर्चा कर रहे हैं, जो बचत का थोड़ा बहुत पैसा है वो भी खा रहे हैं, अब कितनी देर तक खाएंगे ये कुछ पता नहीं है, अभी तक जो कोरोना का वायरस चल रहा है इसकी वजह से कितनी देर लॉकडाउन चलेगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं है, इसके लिए हमारे को बहुत समस्याएं आ रही हैं, अपने घर के खर्चा चलाने में भी दिक्कत आ रही है। देखिए इनका कहना है कि इनका एक छोटा सा व्यवसाय है, एक किराने की छोटी सी दुकान है, लॉकडाउन के चलते वो भी बंद है, जो जमा पूंजी थी वो भी लगभग खर्च हो चुकी है, अगर ये लॉकडाउन और लंबा चलता है तो यह परिस्थिति और भी विकट हो सकती है। जी इनसे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार कक्कड़ है। सर आपका क्या बताया? मेरी फर्नीचर की शॉप है रेलवे रोड पे, कई दिन से बंद पड़ी है, घर बैठे हैं, टाइम पास हो नहीं रहा,
और मैं सरकार से निवेदन करूंगा वो मीडियम वर्ग का भी ध्यान रखे और बाकी सब जनता से भी सहयोग, जनता से भी आग्रह करूंगा कि जो मोदी जी ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए बोला उसका भी पालन करें। और सबको ये भी कहूँगा कि सुबह जल्दी प्रातः उठ के योग भी साथ में करें, योग करेंगे तो आपको किसी चीज़ का कोई भय नहीं रहेगा। सर इनका ये कहना है कि व्यवसाय जरूर प्रभावित हुआ है लेकिन लॉकडाउन भी जरूरी था इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, इनको इन्होंने अपील की है कि लॉकडाउन की पालना करें, बाकी जो खुदा को मंजूर होगा वो सबके साथ होगा, इसलिए संयम बरतें। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? सर मैं गुरविंदर सिंह। आपका क्या व्यवसाय है? सर मैं एक, मेरा अपना छोटा सा बिजनेस है। किस चीज़ का? और ऑटो रिकंडीशनिंग का काम है हमारा। तो सर आपके व्यवसाय पे क्या फर्क है? सब जब लॉकडाउन हो गया तो सब कुछ ही बंद है। सर कितनी लेबर होगी आपके पास? सर मेरे पास हम टोटल 4 बंदे काम करते हैं वर्कशॉप में। तो सर जैसे अब सरकार के आदेश हैं कि आप उनकी कटौती नहीं कर सकते वेतन की, तो वेतन तो देना पड़ेगा। हाँ जी। तो ऐसे में कहाँ से देंगे? सर वो जो थोड़ा बहुत कुछ अपने पास जो आगे टाइम के लिए बचा के रखा होता है उसमें से देना पड़ेगा, और तो हमारे पास इसके अलावा और कोई हाल ही नहीं है। और ना ही सरकार से क्या अपील है? सर सरकार से तो यही उम्मीद है भी अगर हमसे ये उम्मीद रखी जाती है कि हम आगे अपनी लेबर को या अपने जो हमारे जो शॉप वगैरह के जो किराए वगैरह होते हैं हमें वो देने हैं, तो उस हिसाब से जो हमारी जो जो हमें मिलना चाहिए जैसे टैक्स है, बिजली बिल है, या और जहाँ तक गवर्नमेंट हमारी मदद कर सकती है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम जब इनकम टैक्स में टैक्स भी अपना पेड करते हैं तो उसमें जो हमें बेनिफिट मिलता है तो हमें मिलना चाहिए। आज तक जो है हम बिजनेसमैन लोगों को तो कुछ दिया ही नहीं, ना ही कुछ मिला आज तक। देखिए इनका भी यही कहना है कि जब ये हर तरह का टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट को भी इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, हाथ फैलाना इनको शोभा नहीं देता, इसलिए जब ये टैक्स पे करते हैं सरकार को इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देने चाहिए। बाकी रही लेबर क्लास की बात, जो इनके पास लेबर है उनको तो वेतन देना मजबूरी है क्योंकि सरकार के आदेश हैं, और वो वेतन भी अपनी जमा पूंजी में से देंगे। आइए एक और सज्जन हमारे साथ है, इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। सर आपका शुभ नाम? राकेश कुमार गाबा। सर गाबा जी आपका किस चीज का व्यवसाय है? हमारा ये अपना लेडीज सूट्स का गुटदार वगैरह सब कुछ है काम। सर जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन है ऑलमोस्ट सारा, ऑलमोस्ट क्या लगभग सारा, लगभग भी आप छोड़ दीजिए जो जहाँ पर है वहीं पर ठहर गया, सब कुछ बंद हो गया, ऐसे में आपके व्यवसाय पर कितना फर्क पड़ा? और आप फर्क थोड़ा क्या सर, पूरा ही बंद हो गया बिल्कुल, काम 1 रुपए का काम नहीं है बिल्कुल भी, तो दुकान ही बंद है तो काम कहाँ से होगा ये बताओ। अगर ऐसे में लॉकडाउन लंबे समय तक चलता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो अभी तक राशन था, रोटी खा रहे हैं, लेकिन आगे तो राशन कहाँ से डालेंगे, रोटी कहाँ से खाएंगे, मुसीबत आ जाएगी हमारे जन पे। तो देखिए अब ये मध्यम वर्ग की कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनका ये कहना है कि अभी तक तो जो राशन है वो खा रहे हैं, आने वाले दिनों में राशन भी कहाँ से लाएंगे। तो कुछ इस तरह की मजबूरियाँ और कुछ इस तरह की दास्तानें एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी की नहीं है, सैकड़ों की करोड़ों की तादाद में मध्यम वर्ग से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो इन मजबूरियों को झेल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। विकल्प है तो एकमात्र सिर्फ सरकार। अगर सरकार इनके लिए कोई आर्थिक पैकेज या फिर कोई सहायता की वो संदेश देती है तो शायद इन्हें राहत मिल जाए। सर सरकार से उम्मीद है आपको कोई? सरकार से उम्मीद क्या, तो देखो क्या को फैसिलिटी देते हैं कोई मध्यम वर्ग के लिए भी, जो काम को क्या करते हैं या प्रोत्साहन देते हैं बाद में, या क्या फैसिलिटी देते हैं बाद की बातें हैं। तो सर इनका कहना है कि अभी तक इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं, इनको भी कुछ नहीं पता कि सरकार इन्हें कुछ देगी या नहीं देगी, अगर देगी तो सरकार की मेहरबानी, नहीं तो अन्यथा ये लॉकडाउन लंबा चला तो इन्हें बहुत विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। मेरे साथ एक और सज्जन मित्र हैं, इनसे बात करने का प्रयास करता हूं। सर आपका शुभ नाम? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी आपका क्या व्यवसाय है? मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं। सर जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये अच्छा लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंस चल रहा है, तो इसमें जागरूकता आएगी और ये संक्रमण जो है। आप भी मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं? हां मध्यम वर्ग से। तो सर कुछ ना कुछ बजट पे इफेक्ट तो पड़ा होगा? हाँ बजट पे इफेक्ट पड़ा है। इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट तो यह है कि हमारी अभी पेंशन नहीं आई है। अच्छा पेंशन नहीं आई, नहीं तो पहले कब तक आ जाती थी पेंशन? 2-3 तारीख तक आ जाती थी, आज हो गई 11 तक पेंशन नहीं है। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट का यह है कि 16 तारीख से पहले शायद ना आए। चलो वो तो सबके साथ ही है कि एक आपदा आई है सरकार के ऊपर, तो हम लोग भी इसमें साथ हैं। देखिए इनका कहना है कि रिटायर्ड पर्सन है, ये पेंशन पर
निर्भर हैं। पेंशन फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो एडवाइजरी आई है कि वो 16 तारीख तक आ जाएगी, लेकिन इनका साथ में साथ ये भी कहना है कि जो आपदा आई है उसमें हम सरकार के साथ है और सरकार का सहयोग करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। मैं तरुण मदान अपने सहयोगी अनिल लांबा जी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। समाचार एक्सप्रेस की टीम भी सरकार से यह अपील करती है कि वह शीघ्र ही मध्यम वर्ग के बारे में कोई गहनता से संज्ञान दे और उनके लिए कोई ऐसा पैकेज दे या निकाले जिससे उन्हें राहत मिल सके। हम आपको भी बता दें कि यदि आप मध्यम वर्ग से जुड़े हैं और लॉकडाउन के चलते आप किस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं और अपना वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8529158808 पर भेज सकते हैं। हम आपकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का यथासंभव प्रयास करेंगे।